हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि बोल रही हूँ। आज मैं बिनका के पौधा दिखा रही हूँ। बिनका फ्लावर जो है, जो सबसे आसानी से चलने वाला, ज़्यादा देखरेख नहीं करना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है और सालों फूल आपको देगा। फ्लावरिंग करते रहता सालों, तो मैं उस पौधे को दिखा रही हूँ। और अभी एक बार बारिश हुई तो उसमें ना बहुत बेबी प्रोपगेट किया है, उसको मैं अभी जस्ट शिफ्ट की हूँ, एक लगाई हूँ और दिखा रही हूँ। मैं ये छोटे छोटे पॉट में डाली हूँ, तो ये मेरा घर का ही है, खरीद के नहीं लाई हूँ। और ये अभी प्रोपगेट किया है, इसको लगाई हूँ, अभी इसको लगाई हूँ, ये लगाए हैं। और अभी बहुत बेबी निकल रहा है, बहुत हो रहा है, तो उसको मैं सोची हूँ कि और जगह और पॉट में लगा दूँगी। तो देखिए, इसमें तो ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं, और सालों फ्लावरिंग करता है, इस तरह से अभी पूरा फ्लावरिंग कर रहा है। इसको मैं दिखा रही हूँ। इसमें तो मैं ज़्यादातर गोबर का खाद देती हूँ या थोड़ा मोड़ा वर्मिंग कंपोस्ट, क्योंकि जब सब और फूल में डालती हूँ उस समय इसमें भी डालती हूँ। तो देखिए, ये सबसे आसानी से और अभी लगने वाला है, अभी आप लगा सकते हैं इसको। और ये तो कटिंग से भी चलता है, जैसे अभी सबका कटिंग करेंगे, थोड़ी और बारिश होगी तो ये सब जो थोड़ा लंबा हो गया है इसको कटिंग करके लगाएंगे, तो ये इसका कटिंग भी चलता है। बेबी जो प्रोपगेट करता है उसको भी लगा सकते हैं, तो अभी आप भी अपने गार्डन में लगा सकती हैं, जैसे अभी मैं लगाई हूँ। ये सब घर का ही निकला हुआ पफ को लगाई हूँ, और अभी भी और बाकी है तो उसको मैं लगाऊंगी। और ये बहुत आसानी से चलने वाला फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, आसानी से चलने वाला है फ्रेंड्स, सालों फ्लावरिंग करता है, साल भर फ्लावरिंग करता है। और पॉट में लगा हुआ है, लेकिन दूसरे जगह लगा हुआ, मैं टेरेस गार्डन में दिखा रही हूँ। मिट्टी तो सारे पॉट्स का हल्की होनी चाहिए, जैसे अगर अभी लगाए और ये मिट्टी बैठ जाएगा तो ग्रोथ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। हल्की मिट्टी रहती है, जैसे मिट्टी में थोड़ा सा भी बालू रहता है तो थोड़ा हल्का हो जाता है, बेल ड्रेन हो जाता है पॉट, तो उसमें बहुत अच्छा से चलता है। तो वो तो सबके लिए चाहिए, जितना भी फ्लावर्स हैं और उसको हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए बेल ड्रेन पॉट तो होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी जो तैयार करते हैं उसमें गोबर और वर्मिंग कंपोस्ट और बोन मिल भी देख करके तैयार कर सकते हैं, वो सब मिक्स करने से थोड़ी मिल्की मिट्टी जो है हल्की हो जाती है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटे ही है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।